जय भारत। मैं हूँ विनीता मिश्रा। ये साल चुनावी साल है। चुनावी साल में तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जहां एक ओर जेडीयू ने आज वर्चुअल रैली की शुरुआत की है। खुद सीएम नीतीश कुमार अपने जनता से 30 लाख से अधिक लोगों से जुड़ने वाले हैं। वहीं एनडीए के घटक दल एलजेपी की आज दिल्ली में संसदीय बोर्ड की बैठक होने वाली है। एलजेपी की यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि कुछ ही दिनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच सब कुछ ठीक नहीं होने की खबरें सामने आ रही है। जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार सीएम नीतीश कुमार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, कल भी उन्होंने एक पत्र जारी किया और पत्र में उन्होंने सीएम पर कई सवाल भी खड़े किए हैं। उन्होंने साफ कहा कि सीएम नीतीश कुमार चुनावी कार्ड खेल रहे हैं और यही वजह है कि वो दलित को नौकरी देने की बात करते हैं। जिस दलित के परिवार में किसी की हत्या होती है तो उस परिवार को सरकारी नौकरी देने की बात करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप सच में नौकरी देना चाहते हैं तो आपके शासन काल में 15 सालों में जितने भी लोगों की हत्या हुई है, जितने भी दलितों की हत्या हुई है, सबसे पहले आप तमाम उन दलितों को नौकरी दें। अगर आप नौकरी नहीं दे सकते तो यानी आपका ये सिर्फ चुनावी कार्ड है। और इस तरह से लगातार चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। लगातार वो कई पत्र सीएम नीतीश कुमार को दे चुके हैं, जिसका जवाब सीएम नीतीश कुमार चिराग पासवान को नहीं दे पा रहे हैं। और ऐसे में जो एलजेपी की आज बैठक हो रही है दिल्ली में, महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, उम्मीद यही की जा रही है कि जो नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बाद जो खबरें सामने आ रही है कि सब कुछ ठीक नहीं, इसको मद्देनजर रखते हुए चिराग पासवान कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। क्योंकि चिराग पासवान ने साफ कहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी 119 से कम सीटों पर चुनावी मैदान में नहीं उतरेगी। लेकिन जिस तरह से कंडीशन जो सामने नजर आ रहे हैं कि जो एनडीए है, 119 सीट देना सिर्फ एलजेपी को कहीं से भी फिलहाल वाजिब नहीं लग रहा। यानी ऐसा साफ लग रहा है कि एनडीए के घटक दल कुल मिला के एलजेपी को 119 सीट देने के मूड में नहीं है। और इसी बीच जीतनराम मांझी एनडीए में शामिल हो चुके हैं, यानी एनडीए को एक दलित चेहरा भी मिल चुका है। ये भी साफ हो चुका है कि नीतीश कुमार अपने कोटे की सीट जीतनराम मांझी को देंगे। कुल मिला के ये साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि चिराग और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक नहीं। चिराग लगातार सीएम पर हमलावर भी नजर आ रहे हैं और ऐसे में जो आज महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में हो रही है, ये साफ कहा जा सकता है कि चिराग कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। क्योंकि उन्हें इस बिहार विधानसभा चुनाव में 119 सीटों से कम बिल्कुल भी मंजूर नहीं और 119 सीट एनडीए चिराग को शायद बिल्कुल भी ना दे। यही वजह है कि हो सके तो चिराग पासवान अकेले भी, एलजेपी अकेले भी चुनावी मैदान में कदम रख सकती है। अब देखना होगा कि आखिर इस बैठक के बाद एलजेपी का क्या कुछ फैसला होता है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। चिराग पासवान इस बैठक के बाद कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अजय भारत।